सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है मोटू खबरी और हमेशा की तरह मैं लाया हूं हमारे इंडियन व्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो जैसे आपको पता ही होगा कि कल बहुत सारे रिसोर्सेज से पता लग रहा था कि एल्विश यादव बिग बॉस OTT2 में जाने वाले हैं। बट द थिंग इज आज सुबह एल्विश यादव के इंस्टाग्राम से रील उठी जिसमें उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया कि वो बिग बॉस हाउस में जाने वाले हैं। सो गाइस, अब टाइम आ गया है घर का सिस्टम चेंज करने का। तो तुम्हारा भाई मैं आ रहा हूँ घर के अंदर, एक एक का सिस्टम हैंग करने और सबको बैन करने। तो सी यू गाइस देयर। तो भाइयों, अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एल्विश यादव और फुकरा इंसान हमें एक साथ दिखने वाले हैं, वो भी बिग बॉस हाउस में। एंड आपको पता होगा एल्विश यादव और फुकरा इंसान इंडिया के टॉप मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं। एंड आई एम डैम श्योर जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो पूजा भट्ट और बेबी का की वॉट लगने वाली है। एंड नॉट ओनली दिस, आपको पता है 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाली है बिग बॉस हाउस में। एंड एल्विश यादव के साथ यहाँ पे आशिका भट्ट और पलक पुरस्वानी एंटर करने वाले बिग बॉस हाउस में। एंड अगर आप एल्विश यादव को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा इन्होंने आशिका भाटिया पे भी रोस्ट करा। तो इन दोनों की जर्नी कैसे होगी ये भी देखने का बड़ा ज्यादा मजा आने वाला है। एंड अगर अभी बिग बॉस के गेम के हिसाब से देखा जाए तो फुकरा इंसान लीड कर रहे हैं क्योंकि सबको लगता है कि वही जीतेंगे बिग बॉस। बट अभी एल्विश यादव के आने से फुकरा इंसान के लिए थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है बिग बॉस जीतने में, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स काउंट के हिसाब से देखा जाए तो एल्विश यादव इज ह्यूज विद 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फुकरा इंसान 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड इसी के बाद आकांक्षा पूरी से जब पूछा जाता है कि एल्विश यादव के आने के बाद फुकरा इंसान के चांसेस जो विनिंग के थे वो कम होंगे या नहीं, इस पे उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट करा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि टॉप नॉच गेम्स विद एक्यूरेट विनिंग रेट्स प्रोवाइड करते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है मार्वल बेट, जहाँ पे साइन अप करते ही आपको 777 रुपीस का बोनस मिलेगा। मैंने मार्वल बेट से पहले कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं देखी जो कि फास्टेस्ट डिपॉजिट और विड्रॉइंग मेथड प्रोवाइड करे। इस एप्लीकेशन के लाइव कैसीनो गेम्स बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, जहाँ पे आप अपने लाइव स्टेटस चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको गेम्स खेलते वक्त कोई दिक्कत आती है तो इसका 24/7 कस्टमर सपोर्ट हमेशा रेडी होता है आपकी हेल्प करने के लिए। इसमें आपको बहुत सारे प्रमोशंस देखने को मिल जाएंगे जैसे 100% कैसीनो बोनस, 100% स्पोर्ट्स बोनस और रेफरल बोनस के साथ में बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स। तो भाई अभी रजिस्टर करें और 777 रुपीस का बोनस प्राप्त करें, लाइव कैसीनो गेम्स खेल के खूब सारी अर्निंग करें। एंड इस एप्लीकेशन का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। खबर आ रही है सोर्स का, लाइक एज पर द सोर्स एक काफी जाने माने यूट्यूबर एल्विश यादव बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कैसा उनका गेम होने वाला है? सी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी जो भी वाइल्ड कार्ड जाएंगे उनके लिए थोड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि ये हफ्ते ऑलरेडी 3 से हफ्ते निकल चुके हैं और 8 हफ्ते का ही गेम है, तो आप थोड़े गेम में ऑलरेडी पीछे हो। प्लस वहाँ अभिषेक है जो ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, प्लस यूट्यूबर भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तो दोनों की पॉपुलैरिटी एक ही जैसी है। बट अभिषेक के पास एक प्लस पॉइंट है कि ऑलरेडी जनता उनके साथ पे सपोर्ट कर रही है इस गेम में, उन्हें 3 हफ्तों से ज्यादा देख चुकी है, तो यू नो थोड़ा वक्त लग जाता है उस घर में आपको अपने वो बनाने में। और तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके लिए एक ड्रॉबैक रहेगा, बट उनकी पॉपुलैरिटी इतनी सारी है तो मजा तो आएगा उनको देखने। नॉट ओनली आकांक्षा पुरी, लक्ष्य चौधरी भी अपने व्लॉगिंग चैनल पे कुछ ऐसे रिएक्शन दिए। ये व्लॉग लाइव हो जाएगा, मतलब ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट आज शायद वो बिग बॉस के घर में एंटर हो जाएगा। लोगों को बहुत मतलब, अब मैं वही हूँ इंटेलेक्चुअल को चोदा तो घर नहीं है, अब दोनों दोस्त अंदर चले गए, दोनों दोस्त का मतलब पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के दो अपने भाई अंदर गए हैं, पर अब बिग बॉस ऐसा षड्यंत्र रचने वाला है कि अब रेडी हो जाओ। देखो भाई मैं कह रहा हूँ, आगे जो भी गेम चले ना, ये मत समझना कि अभिषेक बुरा है एल्विश बुरा, क्योंकि बिग बॉस का घर है सही है, ठीक है। दोनों में से कोई कोई एलिमिनेशन मत रहेगा तो हम एक एक वोट करते रहेंगे, और जब दोनों आ जाएंगे तो हम कितने 1 2 3 4 5 6 3 इसे डाल देंगे और क्या कर सके भाई, मिल बांट के। लेकिन देखने में मजा आएगा पूरा, मैं बहुत उत्सुक हूँ कि पहले दिन नहीं देखने का मैं, क्योंकि मुझे पहले दिन पता, पहले दिन आज बहुत एनर्जी के साथ जा रहा है और दोनों में फूल भाइयों में प्यार रहेगा, सब रहेगा। मैं देखूंगा 3-4 दिन बाद जब बिग बॉस अपने षड्यंत्र रचने शुरू कर देगा, तब मजा आएगा देखने में। और खबर तो ये भी आ रही है, अभी मैं बोलूंगा नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि कोई एल्विश के एनिमी भी एंटर हो रही है घर में, तो वहां तो देखने में और ज्यादा मजा आ जाएगा। तो भाई एल्विश यादव के एंटर होने से फुकरा इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है, लेकिन एक बात पक्की है कि जीतेगा इस बार यूट्यूब कम्युनिटी का ही। एंड आपको क्या लगता है फुकरा इंसान और एल्विश यादव में से कौन बिग बॉस जीतेगा, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जानू स्टंट्स के बारे में। तो जानू स्टंट्स की साइड से आज एक व्लॉग आउट हुआ जिसमें वो बताया कि वो अपनी ZX10R पे मॉडिफिकेशन शुरू करवा दिए हैं। लेक्सल फील आती है, तो गाइस फाइनली आज इसकी नॉर्मल वाली लुक देख सकते हो आप, इसके बाद ही आपको ऐसी नहीं दिखने वाली, बहुत ही प्यारी बनने वाली है अपनी हेडशॉट। आपको पता है जितनी भी चीज़ें बनाई है कभी भी कोई बेकार मॉडिफिकेशन नहीं कराई, यहाँ से हम पुश करा दें, यहाँ से ब्लू करा दें, यहाँ से पर्पल करा दें, गोल्डन करा दें, वो नहीं भाई, बिल्कुल तगड़ी चीज कराएंगे। तो चलो गाइस फाइनली निकलते हैं, मिलते हैं। एंड साथ ही में उन्होंने अनाउंस करा है कि जब उनकी बाइक रिवील होगी तो वो एक मीटअप भी रखने वाले हैं। एंड आपको पता होगा कि आमिर माजिद भी अपनी RC 390 को रिवील करते वक्त एक मीटअप करने वाले हैं। तो भाई J&K में 2 मीटअप होने वाले,
वाले हैं एंड मॉडिफिकेशन रिवील पे मीटअप होने वाले हैं, तो देखते हैं किसकी ज्यादा मॉडिफिकेशन अच्छी रहेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं राजा डीसी के बारे में। तो राजा डीसी आज एक इंसिडेंट शेयर करते हुए आशीष कोहली को पोक कर दिए। यहाँ से जा रहा था, यहाँ पर नाका लगा हुआ था भाई, पुल पे था कोई भाई न्यू कोई होता है ना भाई, जिन्हों को न्यू यूनिफॉर्म मिलते हैं, जंग लड़के होते हैं, तो भाई कोई खड़ा हुआ था यहाँ पे डंडा लेके। मेरे को तो पता नहीं कौन है ना, मैं जानता हूँ भाई आपको पता, मैं दुनिया को इतना जानता नहीं क्योंकि दुनिया मेरे को जानती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भाई फ्री के पंगे लेने का मेरे शौक है। तो भाई गाड़ी जा रही थी, आपके पहले सीट बेल्ट वगैरह वेयर की थी क्योंकि साथ में मेरी सिस्टर भी थी। जब मेरे साथ मेरी बहन है फैमिली होना तो आपको बिल्कुल नॉर्मल आराम से चलता है, अकेला होता ना तब मैं थोड़ा उल्टी सीधी तरीके से कर लेता हूँ, बट ऐसे नहीं, मेरी सिस्टर मेरे साथ ही, तो कोई भाई गाड़ी में कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं कि भाई मेरी गाड़ी को देखकर चलान होगा। जो चलान मेरे को हमारे महान सस्ते रिपोर्टर जी ने कराना था, वो हमें बहुत महंगा वाला चलान जो हमें कर दिया वो हमने भाई एक सेकंड में फिल कर दिया था, उसकी टेंशन नहीं है। उसके बाद भाई यहाँ पे गाड़ी हमारी आ रही थी, दूर से उसने देखा भाई, पहले आगे ना नाम पड़ा कि भाई राजा डीसी है, तो भाई आगे फटाफट आके डंडा लेके, तो बाकी उसको पता ही होगा कि क्या हुआ भाई, गाड़ी रुकी या ना रुकी, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको पता होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले आलियान राइडर के बारे में। तो आलियान राइडर आफ्टर एक्सीडेंट फर्स्ट व्हीली पॉप अप करे अपनी सुपर बाइक पे। तो गाइस क्या बोलते हो, फर्स्ट व्हीली मारते है। तो भाई देख के अच्छा लगा, उनके मोटो व्लॉग्स अब रेगुलर आ रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है वो एक सुप्रा लेने वाले हैं एंड उनके आज वाले व्लॉग में वो दुबई पहुंच चुके हैं, जहां पे उन्होंने अपनी सुप्रा देख ली है। हर जाएंगा ब्रो, इधर वाली सीट तो मेरी है ना वो इंडिया जाके चिट निकालना बॉल घुमा के, जिन्हें पता है उन्हें पता है वो वाली सीट किसकी गाइस। फिलहाल आई थिंक दिस इज द कार दैट वी आर लुकिंग, एंड ये V6 है गाइस, सुपरा V6 मिलना बहुत इम्पॉसिबल है एंड हम लोग ये ले रहे हैं गाइस। ले अली भाई फाइनल, ऑलमोस्ट फाइनल, मेरा तो दिल आ गया, मेरा भी दिल आ गया गाइस। जो पॉप्स पॉप सुनना बाकी। गाइस चेक दिस आउट, सच्ची में यहां चेक करो क्या मस्त लग रही है भाई साहब। थोड़ी सी मुश्किल है व्हाट आई फील लाइक, थोड़ी सी समझने के लिए, बट वंस यू आर ओके विद इट, अपनी साइड देख लो तो फिर आराम से निकल ही जाती है ना। एंड अभी हम लोग गाइस अंदर का ही एक छोटा सा स्पिन ले रहे हैं, एंड गाइस अभी हम लोग इसे बाहर ही लेकर के जा सकते हैं बिकॉज वर्किंग आवर खत्म हो चुके हैं भाई। लाइट इसकी अली भाई, इसकी लाइट तो मस्त है ना एकदम। एक और बार फ्लैश करो, ये देखो ना बैंकर बहुत ऊपर यार इसकी लाइट तो मोस्ट गाइस। तो भाइयों ये थी आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।